नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पहले बुलेटिन के मुख्य समाचारों पर एक नजर। आज से पूरे देश भर में वैलेंटाइन वीक की शुरुआत। युवाओं में उत्साह का माहौल। कुवारा दल और संस्कृति रक्षा वाहिनी ने कसली कमर। युवाओं की सरकार से मांग, पास हो मंचला रोधी विधेयक। अब समाचार विस्तार से। वैलेंटाइन वीक को लेकर जहां युवाओं में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कुंवारा दल और संस्कृति रक्षा वाहिनी में रोष का माहौल व्याप्त है। आपको बता दें कि 7 फरवरी रोज डे के साथ शुरू हो रहे इस वैलेंटाइन वीक का समापन 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन होगा। इस त्यौहार को लेकर जहां प्रशासन चौकसी बरते हुए है, वहीं युवाओं में डर का माहौल बना हुआ है। युवाओं का आरोप है कि जब वो इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने साथी के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो कुंवारा दल और संस्कृति रक्षा वाहिनी उन पर टूट पड़ते हैं। खबर है कि युवाओं और युवतियों ने कुंवारा दल और संस्कृति रक्षा वाहिनी के लोगों पर ये संगीन आरोप लगाए हैं कि वो उनकी चॉकलेट और गुलाब के फूल लेकर भाग जाते हैं। एक जोड़े ने तो यहाँ तक कहा है कि जब टेडी डे के दिन वो एक दूसरे को टेडी देते हुए सेल्फी ले रहे थे, तभी कुंवारा दल का एक सदस्य पीछे से आकर वी साइन बनाते हुए फ्रेम में घुस गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के कुछ युवाओं ने जहाँ इसका विरोध करते हुए खुलकर सेल्फी लेने की ठानी है, तो वहीं सरकार ने इसके खिलाफ एक विधेयक पास करते हुए मंचलों को सेल्फी क्राइम के जुर्म में जेल भेजने की तैयारी कर ली है। बीते साल एक युवा जोड़े ने कुंवारा दल पर ये आरोप लगाते हुए बताया था कि जब प्रॉमिस डे वाले दिन वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे ही थे कि तभी कुंवारा दल के लोग वहां आ गए और मंत्रों का जाप करने लगे। हग डे और किस डे को लेकर तो युवाओं ने अपना मुंह ही नहीं खोला। जब हमारे संवाददाताओं ने उनसे इस बारे में बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। युवाओं की सिर्फ एक ही अपील है कि सरकार इस त्यौहार के लिए एक मंचला रोधी कानून पास करे ताकि वो अपने इस सालाना त्यौहार को ऊर्जा और जोश के साथ मना सकें। वैसे आपको बता दें कि इस साल वैलेंटाइंस डे के दिन यानी 14 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि है, जिस वजह से युवाओं ने राहत की सांस ली है। जबकि कुछ का कहना है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से घर से बाहर निकलने के बहाने बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ युवा इसे कुंवारा दल और संस्कृति रक्षा वाहिनी से बचाव के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस दिन अलग अलग दल और संस्कृति रक्षा वाहिनी के लोग मंदिरों में भीड़ लगाने में विश्वास रखते हैं, जिससे उन्हें वैलेंटाइन का त्यौहार मनाने में कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते आइए नजर डालते हैं वैलेंटाइन वीक पर। 7 फरवरी को रोज डे से शुरू होने के बाद 8 फरवरी को प्रपोज डे, 9 को चॉकलेट डे, वहीं 10 फरवरी को टेडी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 11, 12 और 13 फरवरी को क्रमशः प्रॉमिस डे, हग डे और किस डे के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ इस सालाना युवा उत्सव का समापन होता है। समाचार समाप्त हुए। बाकी की खबरें और लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहें livehindustan.com। Oh,